हाय, तो मैं रात को इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो और मैं अभी चढ़ा दूंगा क्योंकि आज 17 तारीख खत्म हो गई है और आप स्लॉट को देखोगे तो राजस्थान के बच्चे जो 12,000 स्टेट मेरिट तक थे, मतलब बहुत नीचे तक के बच्चे निपट गए हैं राजस्थान के। अभी भी बचे हैं कुछ कुल बच्चे, बट काफ़ी हद तक बच्चे हैं वो आज पहुँच गए होंगे राजस्थान के, क्योंकि आज आज तक राजस्थान डोमिसाइल के लिए था सिर्फ एडमिशंस, और कल भी सुबह फर्स्ट स्लॉट में राजस्थान डोमिसाइल का आखिरी मौका है और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा नॉन राजस्थान 11 बजे वाले स्लॉट से। और उन्होंने फिर भी कहा है कि 11 बजे के बाद भी कोई राजस्थानी भी बचा हुआ है तो वो आ सकता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात, और भाई जो मैं आप लोगों को अपने वीडियोस में तरह तरह से बताता था, और सम टाइम होता है ना कि वो कहते हैं हिंदी में पक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है या सच को, तो ये देखिए अब सीटें कैसी बची हैं। जो मैंने शुरू से कहा था सारी की सारी सरकारी सीटें खत्म होनी थी, सारी की सारी सेमी गवर्नमेंट सीटें खत्म। लेकिन अगर हम इस पे आ जाएं तो जनरल कैटेगरी में आप देखिए अभी भी 510 सीटें बची हुई हैं कल के लिए, लेकिन जिसमें भाई जो शानदार कॉलेज हैं मेरे हिसाब से अमेरिका अनंता 23 और 12 बच्चे हैं, सबसे शानदार निपट गया है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज 0 सीट। ठीक है जी, JNU में अभी भी 9 सीटें बची हुई हैं, और फिर से मैंने बताया था पक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो सबसे सीटें ज़्यादा बची हुई हैं वो है पैसिफिक के दोनों कैंपस और निम्स। ऐसा लग रहा है कि कोई निम्स की सीट उठा ही नहीं रहा है जबकि निम्स की फीस उतनी महंगी नहीं है, राइट। लेकिन इसके बावजूद जो राजस्थानी बच्चे भी हैं उनको भी मालूम है कि हमें फर्स्ट, ये कहते हैं पहली धार में हमें कौन सी सीट उठानी है, तो उन्होंने अमेरिका और अनंता को प्रेफर किया। और यही अगर आप मेरा 10 दिन पुराना वीडियो याद कीजिएगा जब मैंने आपसे कहा था, आपको बताया था कि राजस्थान में आफ्टर महात्मा गांधी जो रैंकिंग है वो अनंता अमेरिकन और गीतांजलि हैं, और निम्स का उतना अच्छा वो हिसाब किताब नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। सॉरी सॉरी, मैं फी दिखाना चाह रहा था, कहाँ गया, कॉलेज फीस, ये रहा राइट। और ये जो 19 लाख की फीस थी इसकी, जबकि निम्स की भी सेम फीस है स्टेट कोटा में, आप देखेंगे 19 लाख के आसपास ही है। हाँ, उसका हॉस्टल थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन फीस जो है वो सेम है, और ये सिर्फ PDC लेते हैं, इन्हें कोई बैंक गारंटी एक्सेट्रा नहीं चाहिए। बावजूद इसके बहुत सीटें खाली हैं, एक्चुअली मैं हैरान हूँ पूरा का पूरा निम्स खाली पड़ा है, तो मतलब कुछ तो हो रहा है यहाँ पर क्योंकि कुछ कुछ बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। और जब कोटा देखते हो, मैंने भी समझाया था कोटा इसलिए था ना कि स्टेट कोटा था आज तक राजस्थान का, तो अभी भी ऑप्शन थी। अगर आप इसको देखोगे ना कि अभी भी वो बच्चे जो कोटा वाले थे वो आ सकते थे, लेकिन अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं तो ये सीटें नॉर्मल कैटेगरी में दे दी गई, इसलिए आप देखोगे कि ऊपर की सीटें या MGM पूरा खत्म है। तो ये तीन कॉलेज सबसे भयंकर हैं सीटों वाले, और फिर चौथा है SS तांतिया जिसमें अभी भी 70 सीटें हैं सस्ती फीस वाली। सस्ती फीस का मतलब, और आप समझ गए, तो कल जब बच्चे हम दिल्ली वाले आ रहे हैं, और तभी मैं जनरली एडवांस ट्रांसफ़र नहीं सजेस्ट करता था कि आप पहुँचे और आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ये 19 लाख की फीस ट्राई कर सकते हैं अमेरिका अनंता में। और 19 लाख की फीस में अगर आपको सीट मिल जाती है, ऑफकोर्स अमेरिकन में BD भी, ये MG भी मैनेजमेंट कोटा, तो आप सोचिए 19 × 4.5 90, और हॉस्टल भी इनका रिजनेबल है, तो 1 CR में आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है इन ए टॉप कॉलेज लाइक अमेरिकन अनंता। गीतांजलि वी नो इज एक्सपेंसिव, गीतांजलि का स्टेट भी उनसे 2 लाख रुपए महंगा पड़ता है, तो ये 1.05 तक इसका बजट चला जाता है, और इसी की वजह से गीतांजलि में भी 34 सीटें बाकी हैं। और सबसे जो खत्म हुआ है वो है JNU, तो मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि JNU को एडवांटेज है लोकेशन का, कि कई लोग दिल्ली वाले भी राजस्थान वाले भी वो JNU को पसंद करते हैं, पिडूरी का हर्ष, नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी बट बिकॉज ऑफ द लोकेशन, कि भाई जयपुर सिटी में है। और इसकी स्टेट कोटा की फीस रीजनेबल ही है 21 लाख 60 हज़ार, अनंता अमेरिका से महंगे, तो कई लोग वो होते हैं जयपुर में ही पढ़ना है चाहे वो राजस्थानी भी हों, क्योंकि अभी तक तो उसमें राजस्थानियों ने सीट ली है, और तांतिया खाली पड़ा है, मैं सब तो 510 सीटें ये हैं, और सिमिलरली 207 सीटें ये हैं, सो टोटल आप जोड़ेंगे तो 700 सीट, 700 बहुत होती हैं।
देखिए राउंड 3 में मैंने कहा जब हरियाणा वगैरह में आई थी, किसी में 100 टोटल, हिमाचल में टोटल 20 थी, उत्तराखंड में टोटल 40, यानी 700 सीटें आपके पास अवेलेबल हैं। सस्ती फीस में भी हैं और फिर महंगी फीस में भी हैं। तो कल जब सुबह आएंगे राजस्थान के बचे हुए बच्चे जो कि इस मेरिट से बिलोंग करते हैं, स्टेट मेरिट थी ये, राइट, वो स्टेट मेरिट लिस्ट फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी, जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई थी ना ये वाली, इसके हिसाब से आप समझिए कि कहाँ तक, मतलब अगर 12,000 रैंक तक बच्चे आ गए हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम स्कोर की बात करें तो 62% तक बच्चे आज आ चुके हैं, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए कि इनका क्या नीट स्कोर होगा, मतलब 60% मतलब 160-170 तक के बच्चे पहुंच चुके हैं। पर राजस्थानी को फर्स्ट, और वही जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैंने डे वन पे कहा था, एक कॉलेज जिसकी 27 लाख की फीस भी सीट खत्म हो गई है, द ग्रेट महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट फीस 26,75,000, मैनेजमेंट में भी सर 0 सीट। तो राजस्थानियों ने ही 27 लाख की सीट भी ले लिया। तो कई फ्रॉड एजेंट, मेरे पास एक क्लाइंट भी आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, द्वारका दिल्ली से, कि भाई MGM में हमें गारंटी सीट दिला दो। मैं तो मना कर दिया, मैंने ये कहा था कि चांस ही नहीं है जी, शायद वो किसी और के पास चले गए जिसने यही कहा होगा कि मैं गारंटी देता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, मैं भगवान जाने उन्होंने किसको कितने पैसे दे दिए, राइट। बट वही जो मेरे भी क्लाइंट्स हैं या जो नए भी हैं, 700 सीटें वैकेंट हैं, बजट है आपके पास, तो आपको अच्छा कॉलेज कली कल में मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, बट कली कल में तो चांसेस ज़्यादा हैं। फिर कल देखिए राजस्थान के बाहर वाले पहुंचना शुरू करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि आपको एडवांटेज होती है कि जब आपका नंबर आता है तो आप सीट लें या छोड़ दें, जो भी उस समय आपको अवेलेबल हो रही है। ओके, सो ये था एक क्विक वीडियो आपके लिए कि सीट्स हैं कल, तो पहुंचिए। और रात को भी आपको एक और चीज बता दूं, अभी भी जिन लोगों ने अगर 2,000 रुपये दे रखे थे तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे सकते हैं और कल की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय। काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, सीट लेना चाहते हैं, कॉल अस ऑन 9643362320। और मैं हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट अ फ्री टॉल फ्री हेल्पलाइन, उसके लिए यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है, द फर्स्ट चार्जेस भी 2,500 रुपये रहते हैं मुझसे बात करने के, मैं ही सबसे बात करता हूँ, मैं ही एंड टू एंड MBBS काउंसलिंग करता हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये 17 तारीख की रात, गुड नाइट, मैं भी सोता हूँ, कल सुबह जल्दी उठ के मेरे को जयपुर पहुँचना है ऑफलाइन राउंड अटेंड करने के लिए, अपने क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए, उनको लास्ट मोमेंट पे सपोर्ट और गाइडेंस देने के लिए। सो बाय, टेक केयर।